नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। कोरोना की दूसरी लहर में कई लोगों की जाने गई है और उसके बाद तीसरी लहर आने को है, लेकिन अभी भी जो हमारी केंद्रीय सरकार है वह इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जो लोग हैं कोरोना के काल में जिनकी मृत्यु हुई है उनकी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से हुई है। जबकि आपको बता दें कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की जाने गई थी। अब मुद्दे पे आते हैं, आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। मानसून सत्र चल रहा है और केंद्रीय मानसून सत्र के दौरान कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि ऑक्सीजन की कमी से देश में एक भी जाने नहीं गई है कोरोना काल में। यानी कि बहुत बड़ी बात बोल दी है, जबकि जब कोरोना का काल था, जब दूसरी लहर चल रही थी, ऐसे में कई लोगों की जाने जो जा रही थी, प्रतिदिन अखबारों में खबरें छप रही थी कि इतने लोगों की जाने गई है ऑक्सीजन की कमी से, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है तो किन्हीं को रेमडेसिविर दवाई नहीं मिल रही है। ऐसे में कल जिस तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यसभा में अपना जवाब दिया प्रश्नकाल के दौरान, उसे साफ तौर पर पता चलता है किस कदर केंद्र सरकार बड़ी ही बेशर्मी से जवाब देती है और कहती है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है ऑक्सीजन की कमी से। इसी मामले को लेकर के हमने बातचीत करने की कोशिश की राजद के पूर्व विधायक भाई वीरेंद्र से, उनसे हमने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सदन में बयान को लेकर के, क्या कुछ बोल रहे भाई वीरेंद्र, आए पहले उनकी पूरी बातों को सुनिए। ये सब बेतुका बात है और बीजेपी का ये नया नारा है कि देश के लोगों के सामने झूठ बोलकर, जो हमेशा उनकी परिपाटी रही है, लोगों को झांसा देकर दिलासा दिलाना चाहते हैं। बिहार में हजारों हजार लोगों की मौत ऑक्सीजन के कमी की वजह से, ऑक्सीजन नहीं रहने के कारण हजारों हजार की मौत हुई है यहाँ पे बिहार में, और देश में तो लाखों लोगों की मौत हुई है, लाखों लाख की मौत हुई है। देश का जो आंकड़ा बताता है, जो प्राइवेट एजेंसी ने किया है, उसमें देश में तकरीबन 80 से 90 लाख की मौत हुई है। उसमें आधा लोगों की मौत जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिलने के वजह से मौत हुई है, और ये बेतुका बयान है और देश को गुमराह करने वाला बयान है। और ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को मंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है सरकार के अंदर, सरकार इनको जल्द से जल्द बर्खास्त करे। एक और सवाल ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बड़ी बात कह दी है और कहा है कि IAS सुधीर कुमार का मामला थाने में दर्ज होना ही चाहिए, जबकि अभी तक उनका मामला दर्ज नहीं हुआ। उनका जेन्युइन मामला है, और जब IAS का मामला दर्ज नहीं होता है तो कहीं ना कहीं कंस्पिरेसी है सरकार का और सरकार फंसती नजर आ रही है, इसलिए वो ये केस दर्ज नहीं, FIR दर्ज नहीं होने दे रही है। और जब IAS का केस दर्ज नहीं होगा तो आम आवाम का केस कैसे दर्ज होगा, ये सवाल उठता है सरकार पर, और सरकार पर उंगली उठती है माननीय मुख्यमंत्री पर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कैसे लोग हैं जो ऐसे लोगों का केस दर्ज नहीं करते हैं जो SC ST का मामला है। मानसून सत्र होने वाला, उसमें क्या अफसर शाही को लेकर आप लोग सवाल खड़ा करेंगे? हमेशा सवाल खड़े करते रहे हैं हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, आज फिर खुलेगा। हम लोग का विधायक दल का बैठक है 26 तारीख को, हम लोग आके ये रणनीति नेता विरोधी दल तय करेंगे, और जो तय होगा वो हम लोग करेंगे। तो आप सुन रहे थे किस तरीके से जो भाई वीरेंद्र साफ तौर पे बोल रहे कि यही तो भाजपा की का जो प्रोपेगेंडा है भाजपा का, कि जो कुछ भी होगा वो होने दीजिए और बाद में झूठ बोल देंगे, क्या कुछ का उन्होंने साफ तौर पे सुना। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। बता दें कि वरिष्ठ IAS अधिकारी सुधीर कुमार की जो कंप्लेन है अब तक गर्दनी बाग के SC ST थाने में दर्ज नहीं कराई जा चुकी है। प्रेशर कहां से आ रहा है थानेदार के ऊपर, यह सोचने वाली बात है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकार है उनका कोई ना कोई बात होगा, उनकी कोई ना कोई कमजोरी होगी, जिस वजह से जो पूरा मामला है दर्ज नहीं किया जा रहा है गर्दनी बाग SC ST थाने में IAS सुधीर कुमार का। इस मामले को लेकर भी क्या कुछ कहा भाई वीरेंद्र ने, आपने साफ तौर पे सुना। तो आप ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।